विजयनगर तहसील में 5 दिन के बाद कोरोना संक्रमितों का मामला सामने आया है, जिसके बाद हड़कंप मच गया है। मामला सामने आते ही विजयनगर के उपमंडलाधिकारी ने इलाके का दौरा किया है। पूरे देश में कोरोना वायरस का कहर जारी है। हर दिन कोरोना के नए मामले सामने आ रहे हैं और कोरोना संक्रमित मरीजों में भी तेजी से इजाफा हो रहा है। वहीं विजयनगर तहसील में 5 दिन के बाद फिर से कोरोना संक्रमित का मामला सामने आने से हड़कंप मच गया है, जिसके बाद विजयनगर के उपमंडलाधिकारी ने दौरा किया। आपको बता दें कि विजयनगर तहसील के श्याम नगर सोसाइटी में रहने वाला एक 50 साल का बुजुर्ग में कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, जिसके बाद विजयनगर के मंडलाधिकारी पीजी चौहान, तहसील विकास अधिकारी बाबू भाई पटेलिया, विजयनगर पुलिस सब इंस्पेक्टर मेहुल कोटवाल, तहसील के स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर एसएम चौहान ने इलाके का मुआयना किया। वहीं पुलिस प्रशासन ने सभी बाजार को बंद करवा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एचबीएन न्यूज। और आप देख रहे हो एचबीएन न्यूज चैनल। विजयनगर तहसील में आज फिर से कोरोना का संक्रमित मामला सामने आते ही यहाँ पुलिस प्रशासन, तहसील प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग की टीम आ पहुंची है। यहाँ बफर जोन और कंटेनमेंट जोन जारी करने के लिए सर्वे चालू कर दिया गया है। चलिए हम आगे आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, हमारे साथ जुड़े रहें।